नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के प्लांट पैथोलॉजी के आज के लेक्चर में हम समझेंगे मस्टर्ड के यानी सरसों के एक रोग के बारे में, जिसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू यानी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। तो हम आज डाउनी मिल्ड्यू मस्टर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो एक फंगस होता है जिसका साइंटिफिक नेम पेरनोस्पोरा पैरासिटिका है। पेरनोस्पोरा पैरासिटिका है। इसके सिम्टम को देखें तो इसके सिम्टम सबसे पहले जो नई पत्तियां होती हैं यंग लीव्स उस पर आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो स्पॉट है सरसों की पत्ती पे जो धब्बे बनते हैं उनका जो कलर होगा वो जो पत्ती निचले सरफेस पे या जो पत्ती का निचला सतह होता है उस पे जो धब्बे का रंग होता है वो पर्पल ब्राउन यानी कि बैंगनी भूरा होता है। और ये जो सिम्टम है ये धीरे धीरे नेक्रोटिक लीजन्स में परिवर्तित हो जाता है। नेक्रोटिक लीजन्स मतलब ऐसे धब्बे जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, और इनका जो कलर है वो सफ़ेद जो ग्रेस वाइट हो जाता है। ये किस पे आपको देखने को मिलेगा? लोअर सरफेस पे, जो सरसों की निचली पत्ती है। और जो अपर सरफेस है, जो ऊपरी पत्ती है या जो पत्ती का ऊपर का भाग है सरसों का, उस पे आपको टेन टू येलो मतलब हल्का पीला कलर आपको देखने को मिलेगा पत्ती के ऊपरी सरफेस पे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये आप देखो जैसे नीचे ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस नीचे इन्फेक्शन होने के वजह से जो पत्ती का ऊपरा सिरा है ऊपर का जो भाग है उसमें भी इसके येलो कलर के सिम्टम या पैचेज डेवलप होने लगते हैं। निचले सरफेस पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो और इधर यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो ग्रोथ है वो फंगस होता है। ये फंगस के माइसीलियम और उनका हाइफा और जितने भी उसमें स्ट्रक्चर बनते हैं वो इस पे जो नीचे देखने को मिलता है ये वही सब होता है। बाद में हल्का भूरा हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये और एडवांस कंडीशन में आएगा तो इसका कलर भूरा होने लगेगा। इस फंगस में क्या होता है, हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर फंगस ने इन्फेक्शन किया। हाइपरट्रोफी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है सेल के इनलार्जमेंट की। जैसे यहाँ पर मान लो या फिर इधर मान लो यहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो गया फंगस का। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सेल है सेल का अनियमित ढंग से बढ़ जाना, जैसे जो सामान्य सेल बढ़ती है वैसे ना बढ़ के एक अनियमित तरीके से सेल का बढ़ना हाइपरट्रोफी कहलाता है। और दूसरा एक इसके अलावा भी और होता है जिसमें कंफ्यूजन होता है उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, उसमें सेल की संख्या बढ़ती है, मगर हाइपरट्रोफी में क्या होता है सेल का साइज बढ़ जाता है वो भी अनियमित ढंग से। तो ये भी इस फंगस में देखने को आपको मिलेगा इस रोग के सिम्टम में। और जो पोड है मतलब जो फली है सरसों की, तो सरसों की फली का जो साइज है वो छोटा रह जाता है और दाना भी अंडर डेवलप्ड रह जाता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम के बारे में हुआ। अब हम समझते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में सामान्यतः हम जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि उसमें कौन कौन से साइकिल्स होती हैं और किस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो इसमें पहले हम जानेंगे एसेक्सुअल साइकिल के बारे में। ये जो फंगस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हुआ, ये एक विशिष्ट प्रकार के होस्ट पे या पोषक पे अपना जीवन यापन करेगा। इसके पास दूसरा चारा नहीं है या दूसरा तरीका नहीं है कि ये दूसरे पे भी जाके दूसरे जो होस्ट है उस पे जाके अटैक कर सके। तो इस प्रकार का जो होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो एक ही लिविंग
होस्ट पे रहेगा, तो उस प्रकार का जो पैरासाइट होता है उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और फंगस में जो माइसीलियम होता है वो हाइलाइन होता है, हाइलाइन मतलब पारदर्शी हो गया। और सीनोसिटिक, सीनोसिटिक देखो ये फंगस में सेप्टेशन होता है। फंगस में सेप्टेशन का मतलब क्या हुआ, जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम या फिर जो हाइफा होता है उनमें जो क्रॉस वॉल होना और ना होना, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये वाला, तो इसमें आप यहाँ पर देखो ये क्रॉस वॉल है, ये क्रॉस वॉल है और एक यहाँ पर क्रॉस वॉल है। तो इस प्रकार का जो माइसीलियम है उसको बोलेंगे एसिनोसिटिक या बोलेंगे सेप्टेट, क्योंकि यहाँ पर देखो सेप्टा बने हैं, तो इसको बोलेंगे एसिनोसिटिक या सेप्टेट। सीनोसिटिक क्या होता है, जिसमें कोई सेप्टा नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हो इस पूरे माइसीलियम में कोई सेप्टेशन नहीं है, तो इस प्रकार के जो माइसीलियम है उसको बोलते हैं सीनोसिटिक। और ये जो माइसीलियम है ये इंटरसेलुलरली ग्रो करेगा होस्ट के टिश्यू में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दो सेल्स हैं, मान लो यहाँ पर एक ये सेल्स है और दूसरी ये सेल्स है, तो इसका जो माइसीलियम है वो माइसीलियम कुछ इस प्रकार से इसके बीच में ग्रो करेगा। दूसरा का वो क्या होता है, इंट्रा सेलुलरली, जैसे मान लो ये सेल है और इसी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो ये क्या हो गया इंट्रा सेलुलरली, तो इसमें जो क्या है वो इंटर सेलुलरली ग्रो करता है। हास्टोरिया बनाता है, देखो हास्टोरिया क्या होता है, माइसीलियम जो है या फिर जो फंगल स्ट्रक्चर है जैसे स्पोर्स हैं, स्पोर जर्म ट्यूब बनाते हैं जर्मिनेट करने के बाद, तो जर्म ट्यूब बनाएंगे और जर्म ट्यूब बनाने के बाद जो जैसे पत्ती है तो पत्ती की सरफेस पे चिपकेंगे, और चिपकने में जो सहायता करता है जैसे ये वाला भाग, ये चिपकने में सहायता करता है, इसको क्या बोलते हैं एपिसोरियम। और ये नीचे आके ये जो इधर और इधर ये सब गए हैं इनको बोलते हैं हास्टोरियम। तो हास्टोरियम क्या होता है, ये इस रोग में उंगली के जैसी संरचना होती है जो कि होस्ट में घुसती है और वहां से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, इन्फेक्शन पैक बना के इंसर्ट होके वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उस प्रकार का जो संरचना होता है उसको बोलते हैं हास्टोरिया। फिर इसमें क्या है, स्पोरेंजियो फोर बनता है। स्पोरेंजियो फोर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पर ये स्पोरेंजियो फोर है, या फिर यहाँ पर देख लो ये क्या है, ये स्पोरेंजियो फोर, इसी प्रकार से ये स्पोरेंजियो फोर है। और स्पोरेंजियो फोर बनता कहाँ पे है, स्ट्रिगमेटा। स्ट्रिगमेटा क्या मतलब, क्या क्या होता है, उभार, जैसे ये यहाँ पर देखो आप उभार, और इसके लास्ट में ये यहाँ पर बनेगा, तो स्ट्रिगमेटा पे बनता है। और जो इसका शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और स्पोरेंजियो फोर में क्या बनता है, स्पोरेंजियम, तो ये जो पूरी यहाँ पर गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो उनको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर, यही सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम इस रोग में करते हैं। तो ये हो गया इसके पूरे एसेक्सुअल साइकिल के बारे में। अब हम चलते हैं इसके सेक्सुअल साइकिल के बारे में और जानते हैं इसमें क्या होता है। जो फंगस है इसमें दो प्रकार की, वैसे तीन प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनती हैं, एक होता है मेल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फीमेल स्ट्रक्चर, और तीसरा उनके फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं फर्टिलाइज स्ट्रक्चर। तो इसमें जो मेल और फीमेल मिलते हैं या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट, मतलब जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है। गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये देखो ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या होता है मेल स्ट्रक्चर, और ये क्या है ईग, इसको बोलते हैं ऊगोनियम, ये क्या है फीमेल स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये एक दूसरे में मेल और फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, चिपकेंगे, और ये जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस और जो इसका इसके अंदर जो फ्लड भरा है वो क्या है इसके अंदर इंसर्ट करेगा, और ये यहाँ आके जो ईग है इसके न्यूक्लियस से फ्लड
फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलते हैं ऊ स्पोर। यहाँ पर देखो जो ऊ गोनियम है ये वाला, ये फीमेल पार्ट, उसका कलर होता है हाईलाइन टू ब्राउन, और ये गोल संरचना होती है ग्लोबोल, और बनता कहाँ पर है, टर्मिनल या फिर इंटरकेलरी। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो है मतलब कि छोर पे बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल। और इंटरकेलरी क्या हो गया, जैसे ये मान लो और इसके यहाँ पर बीच में बने अगर उगोनिया, तो इसको बोलते हैं इंटरकेलरी। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार का टर्मिनल टर्मिनल या इंटरकेलरी दोनों प्रकार का हो सकता है। और एंथ्रेडिया का जो कलर है वो पारदर्शी हाइलाइन होता है, एम्फीगाइनस होता है। देखो यहाँ पर जो हमने बताया ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया है, इसको आप बनाना नहीं। इसमें एम्फीगाइनस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये हो गया उगोनियम और कैसा टर्मिनल उगोनियम, तो एम्फीगाइनस का मतलब क्या होता है, जब इसके चारों तरफ एंथ्रीडियम इसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, और इसके अंदर अपना मटेरियल इंसर्ट करता है, तो इस प्रकार का जो एंथ्रीडियम होता है उसको बोलते हैं एम्फीगाइनस एंथ्रीडियम। और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ये दोनों जब न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे उससे बनता है ऊ स्पोर। उसका जो कलर है वो ब्राउन होता है, और जो आकार है वो ग्लोबोस शेप का आकार होता है, और ये थिक वाल्ड होता है। थिक वाल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसको जमीन में या फिर सॉइल में सर्वाइव होने के लिए फेवरेबल कंडीशन जो थिक वाल है वो प्रदान करता है। अगर इसमें थिक वाल ना हो तो ये बहुत जल्दी ही सड़ जाएगा और अगला इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो स्पोर जो है वो थिक वाल्ड होता है। अब हम समझते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। तो इसमें प्राइमरी इनाकुलम हमने देखा, जो ऊ स्पोर अभी बना था फर्टिलाइजेशन के बाद वो काम करता है प्राइमरी इनाकुलम का, और वो होता कहाँ है, जो प्लांट डेब्रिस है, जो पौधे के अवशेष सॉइल में बच जाते हैं वो कहलाता है प्लांट डेब्रिस, और उसी में ये रहता है ऊ स्पोर। इसके अलावा जो घास होती है वो भी प्राइमरी इनाकुलम का काम करती है। प्राइमरी इनाकुलम वैसे होता क्या है, प्राइमरी इनाकुलम एक प्रकार का, जैसे जब फील्ड है, फील्ड में सबसे पहले जहां से रोग की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी इनाकुलम, या पौधे में जहां से शुरुआत होती है इन्फेक्शन की, उसमें जो स्ट्रक्चर सबसे पहले भाग लेती है, जैसे यहाँ पर ऊ स्पोर जो है वो संरचना भाग ले रहे रही है प्राइमरी इन्फेक्शन फैलाने में, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी इनाकुलम। तो उस केस में यहाँ वीड प्लांट और जो प्लांट एवरेज और सॉयल दोनों काम करते हैं। फिर क्या होता है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा, प्राइमरी इन्फेक्शन से उसमें माइसिलियम हाइफा ये सब बनेगा, माइसिलियम हाइफा बनने के बाद फिर क्या बनेगा, वहाँ स्पोरेंजियोफोर बनेगा, जो हमने एसेक्सुअल साइकिल में पढ़ा है, स्पोरेंजियोफोर बनेगा, और स्पोरेंजियोफोर से क्या बनेगा, स्पोरेंजियोफोर से बनेगा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जो आप ऊपर का गोल स्ट्रक्चर होता है उसी से रिलीज होंगे स्पोरेंजियो स्पोर, जो कि सेकेंडरी इनाकुलम का काम करते हैं। मतलब वो एक पौधे से, जैसे ये पौधा हो गया, एक ये पौधा हो गया, तो यहाँ पहला पहला इन्फेक्शन है और हुआ कैसे, प्राइमरी इनाकुलम के द्वारा हुआ। अब यहाँ से जब इस पौधे में फैलाएगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन, और जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ आएगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी इनाकुलम। तो सेकेंडरी इनाकुलम के केस में यहाँ पर कौन काम करता है, स्पोरेंजियो स्पोर। और फिर क्या है, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद इसके जो पत्ती है जड़ है वो वहीं पड़े रह जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं, तो वो क्या है, इनाकुलम का काम करते हैं, प्राइमरी इनाकुलम। वो बाद में वो स्पोर वगैरह बना लेता है और पत्ती में ही नीचे सॉइल डेब्रिस में पड़ा पड़ा रहता है, और वो फिर जाके सेकेंडरी इनाकुलम सॉरी प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इसके डिजीज के बारे में। और
अब जो पिछला हमने लेक्चर लिया था टिक्का डिजीज का, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनके आप आंसर यहाँ देख लीजिए। तो हमने सबसे पहला जो उसमें क्वेश्चन था वो था, रेडिश ब्राउन नेक्रोटिक जो धब्बे हैं वो कहाँ पर बनते हैं, ऊपरी सतह पे, निचले सतह पर, या दोनों सतह पे। तो जो रेडिश ब्राउन है वो ऊपर जो पत्ती है वो पत्ती के ऊपरी सरफेस पे बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था, मुख्य जो लक्षण है लेट लीफ स्पॉट ग्राउंड नट का वो क्या है, लेट लीफ स्पॉट जो सिम्टम है उसके मुख्य सिम्टम क्या है, लाइट ब्राउन स्पॉट बनना, या फिर डार्क ब्राउन, या ब्लैक स्पॉट बनना, या फिर येलो हलो चारों तरफ बनना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट का बनना। तीसरा क्वेश्चन जो था, कौन सा लीफ स्पॉट रोग है वो ज्यादा खतरनाक होता है टिक्का डिजीज में, तो अर्ली लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट, या फिर दोनों, या इनमें से दो तीन दोनों। तो इसमें जो है वो लेट लीफ स्पॉट जो बाद में आता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो ज्यादा डिजीज को लॉस करता है। अगला क्वेश्चन था, डार्क ब्राउन स्ट्रोमेटा किस में बनता है, तो ये जो है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला में बनता है। फिर पांचवा क्वेश्चन था, लीफ स्पॉट टिक्का डिजीज साउदर्न जो इंडिया है उसमें कौन सा लीफ स्पॉट टिक्का डिजीज का होता है, तो इसमें जो है लेट लीफ स्पॉट जो है वो साउदर्न इंडिया में होता है, मतलब आंसर दो, और जो नॉर्दर्न इंडिया में है वो अर्ली लीफ स्पॉट होता है, जबकि साउदर्न इंडिया में लेट लीफ स्पॉट होता है। तो ये कुछ रहा आज के लेक्चर में, और आप ये भी सुझाव दीजिए कि हम क्वेश्चन इंक्लूड करें या इसमें ना करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव है हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कुछ और पढ़ा सकते हैं या कुछ घटा सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू।